नमस्कार मित्रों एक बार पुनः हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी लेकर के मैंने दिसंबर के शुरुआत में एक सेशन लिया था जिसका शीर्षक था कि क्या हम नवीनीकरण ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे तब मैंने जो है नवीनतम आंकड़े आप लोगों से 30 नवंबर के शेयर किए थे जबकि जो हमारा टारगेट था भारत सरकार का वो इकतीस दिसंबर तक का था और उसमें मैंने कमिट किया था कि जब भी नए आंकड़े आएंगे 31 दिसंबर के तो जनवरी के महीने में मैं आपसे रूबरू हूँगा तो अपने वादे को पूरा करते हुए हाजिर हूँ आपके सामने नए आंकड़ों के साथ में और आज हमारा जो शीर्षक है वो है रीन्यूबल एनर्जी को लेकर के क्या लक्ष्य था और अब हम कहाँ तक पहुँचे हैं क्योंकि लक्ष्य की जो तारीख़ थी वो निकल चुकी है ठीक है ना तो कितना लक्ष्य रखा गया और कितना हम अचीव कर पाए उन सब बातों को लेकर के आज की चर्चा रहेगी अंत तक बने रहिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है अगर ये क्लास आपको लास्ट तक अच्छी लगती है तो उसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा ठीक है ना चलते हैं हमारा टारगेट है व्हाट वाज द टारगेट एंड वेयर आर वी क्या लक्ष्य था और आज हम कहाँ पर हैं ठीक है ना तो देखिए चार बिंदुओं के ऊपर मैं चर्चा करूँगा पहले भी मैंने की है सबसे पहला होता है पोटेंशियल दूसरा होता है टारगेट फिर तीसरा है इंस्टॉल कैपेसिटी और चौथा है आपका एक्चुअल जनरेशन ठीक है ना देखिए कई सारे यूट्यूबर जो कि टेक्निकल फील्ड से नहीं है वो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को जनरेशन मान लेते हैं जबकि वास्तव में ऐसा है नहीं ठीक है ना ये चारों ही चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं ठीक है ना पोटेंशियल का मतलब होता है कि आफ्टर दि सर्वे लॉट ऑफ सर्वेज हैज़ बिन डन और उसके सर्वे के बाद में जब पता लगाया जाता है कि भाई कितना हम अचीव कर सकते हैं कितना पोटेंशियल है ठीक है ना उस पोटेंशियल को देखते हुए सरकारें जो हैं वो लक्ष्य निर्धारित करती हैं राइट कि भाई हम इतना अचीव करेंगे इस समय तक अब वास्तव में कितना कैपेसिटी का प्लांट इंस्टॉल हुआ ठीक है ना और इंस्टॉल तो हो गया मान लीजिए हंड्रेड मेगावाट का क्या वो प्लांट आपको हंड्रेड मेगावाट आउटपुट देगा ये संभव नहीं है ठीक है ना तो एक्चुअल में जनरेशन कितना है वो एक अलग चीज़ है तो इसको आप क्लियर कर लीजिएगा इंस्टॉल कैपेसिटी इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दी एक्चुअल जनरेशन राइट आगे बढ़ते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी इन इंडिया पोटेंशियल की बात करेंगे देखिए आज जो भी बात होगी वो केवल और केवल रिन्यूएबल एनर्जी के संबंध में होगी मैं केवल और केवल रिन्यूएबल एनर्जी मीन्स सोलर विंड बायोमास जियोथर्मल हाइड्रो है ना इन सब की बात करेंगे अपन सबसे पहला जो सबसे बड़ा पोटेंशियल हिंदुस्तान के अंदर है ये सर्वे के बाद के आंकड़े हैं ठीक है ना आधिकारिक आंकड़े हैं भारत सरकार की वेबसाइट के ऊपर अवेलेबल हैं तो सोलर पावर का जो पोटेंशियल है वो है सात सौ पचास गीगावाट गीगावाट का मतलब है एक गीगावाट में वन थाउजेंड मेगावाट होते हैं तो आप इसको यूं भी कह सकते हैं सेवन फाइव जीरो तीन जीरो और लगा दें वो मेगावाट में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है, 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 है ना इसी तरह विंड का है लगभग तीन सौ गीगावाट का बायोमास का पच्चीस गीगावाट है स्मॉल हाइड्रो का है बीस गीगावाट है ना जियोथर्मल और टाइडल एनर्जी के लिए भी सर्वे किए गए हैं ग्यारह गीगावाट और साढ़े बारह गीगावाट की बात की गई है अभी हाल ही में जियो थर्मल पावर प्लांट एक पूगा वैली लद्दाख के अंदर शुरू हुआ है वो मैं आपसे शेयर नहीं करूँगा क्योंकि मेजर पोर्शन ऊपर के चार वाले हैं इन नीचे की जो दो हैं इनका अभी टाइटल का तो जनरेशन हुआ ही नहीं है केवल सर्वे हुआ है पोटेंशियल का पता लगा लिया गया है ना तो मैं केवल मोटे मोटे तौर पे जो शुरू के चार हैं सोलर विंड बायोमास और स्मॉल हाइड्रो की बात करेंगे ठीक है ना अब क्योंकि सोलर का सबसे ज़्यादा टारगेट है सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है तो ये देश के विभिन्न राज्यों में और राज्यों के विभिन्न शहरों में सर्वे के हिसाब से इनका अलग अलग पोटेंशियल है ठीक है ना तो आप इस ग्राफ के माध्यम से देख सकते हैं मैंने टॉप टेन स्टेट्स का बताया है है ना इनके अलावा भी कई राज्यों में पोटेंशियल है परंतु तो ये टॉप टेन है जिसके अंदर राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा सात सौ में से करीब करीब एक सौ गीगावाट राजस्थान के अंदर है हाइएस्ट पोटेंशियल इन द कंट्री राइट और आज शायद इसी पोटेंशियल की वजह से चाहे सोलर का क्षेत्र हो या फिर ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर हो राजस्थान टॉप के ऊपर है आगे बात करेंगे एक्चुअल आंकड़ों की ठीक है ना दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र तीसरे पर मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश गुजरात कर्नाटका यूपी तेलंगाना तमिल और पंजाब ठीक है ना आप देख सकते हैं क्योंकि पंजाब ठंडा है सबसे कम पोटेंशियल इन दस के कंपेरिजन में है ठीक है ना अब हम बात करते हैं टारगेट की सबसे पहला हमने जो है पॉइंट वो देख लिया पोटेंशियल का अब हम देखते हैं टारगेट इकतीस दिसंबर दो यानी कि आज से करीब पंद्रह बीस दिन पहले तक का जो टारगेट था हमारा दो का वो टोटल था वन गीगावाट यानी कि यूं कहें एक लाख पचहत्तर हज़ार मेगावाट है ना तीन जीरो पीछे लगा दें अब तो इस टोटल में से जो चार मुख्य रेंडव एनर्जी होते हैं उसमें से सोलर का सबसे बड़ा टारगेट क्योंकि पोटेंशियल ज़्यादा है एक लाख मेगावाट ये टारगेट है विंड का साठ हजार मेगावाट है ना इसका भी काफ़ी टारगेट है तीन है करीब फिर हाइड्रो का दस मेगावाट बायोमास का पांच हजार मेगावाट ये तो है लक्ष्य जो थे इकतीस दिसंबर दो हजार बाईस तक हमको अचीव करने थे ठीक है ना ये लक्ष्य भी मैं समझता हूं के ही है ठीक है ना आगे बढ़ते हैं दो दो बिंदुओं के ऊपर हमने चर्चा की पोटेंशियल कितना है सर्वे के हिसाब से और क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए 31 दिसंबर 2022 तक अब हम बात करते हैं कितना इंस्टॉल हम कर पाए हैं और एक्चुअल में कितना जनरेशन है इसकी बात आगे करते हैं राइट तो देखिए ये मैंने आंकड़े लिए हैं सी e. की वेबसाइट से यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऑथोराइज वेबसाइट है और ये इसके जो है हर महीने ये आंकड़े जारी करते हैं ये वर्तमान के जो 31 दिसंबर 2022 के आंकड़े हैं ठीक है ना सारे आंकड़े मेगावाट के अंदर हैं कुछ चीज़ें मैं मुख्य रूप से आपको बता देता हूँ मैंने सारे आंकड़े यहाँ नहीं लेकर के आया हूँ मैंने कहा था हम केवल और केवल रिन्यूएबल एनर्जी के रेफरेंस में बात करेंगे और मैंने आर ई एस लिखा है आर ई एस का मतलब होता है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और इसके ब्रैकेट में लिखा है एम एन आर ई यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो कि अलग से एक मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर आती है वो केवल रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का काम देखती है है ना तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के जो आंकड़े हैं वो इसकी वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल हैं है ना यहाँ पर मैंने दो आंकड़े शो किए हैं हाइड्रो और आर ई एस देखिए हाइड्रो का यहाँ पर मतलब है बड़े प्लांट बिग हाइड्रो पावर प्लांट्स और आरई के अंदर जो हाइड्रो है वो है स्मॉल हाइड्रो लेस देन 25 मेगावाट वाले हैं ठीक है ना तो हाइड्रो का जो इंस्टॉल कैपेसिटी है 31 दिसंबर 2022 तक की वो है छियालीस मेगावाट राइट और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज सब मिला करके सोलर विंड बायोमास है ना ये सब मिला करके हैं और स्मॉल हाइड्रो भी मिला दें तो एक लाख बीस हजार नौ सौ पंद्रह मेगावाट है ना कुछ चीजें मैंने परसेंटेज की फॉर्म में लिखिए बता देता हूं टोटल ओवरऑल जो इंस्टॉल कैपेसिटी है जिसके अंदर कन्वेंशनल सोर्सेस भी शामिल हैं कन्वेंशनल मिस थर्मल न्यूक्लियर है ना बहुत सारी चीज़ें जो है और भी शामिल हैं इसके अंदर टोटल आंकड़ा है चार लाख दस हज़ार तीन सौ उनचालीस मेगावाट का जिसके अंदर हाइड्रो है आपका छियालीस हज़ार आठ सौ पचास परसेंटेज देखें तो ग्यारह परसेंट के आसपास बिग हाइड्रो रिन्यूएबल एनर्जी का एक लाख बीस हज़ार नौ सौ पंद्रह मेगावाट यानी कि अराउंड थर्टी परसेंट इंस्टॉल कैपेसिटी हम अचीव कर चुके हैं तो यहां पर आप देखें 2002 के अंदर ये इंस्टॉल कैपेसिटी टोटल के रेस्पेक्ट में केवल तीन परसेंट थी और आज की तारीख में थर्टी परसेंट हो गई यानी कि दस गुना वृद्धि हुई है पिछले बीस दो दशकों के अंदर ठीक है ना अगर मैं हाइड्रो को और रीन्यूबल एनर्जी सोर्सेज को मिला देता हूं तो टोटल इनका सम हो जाता है वन लैक सिक्सटी सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी पॉइंट थ्री टू मेगावाट जो कि टोटल का फोर्टी परसेंट के आसपास है कई बार सरकार हाइड्रो को रीन्यूबल एनर्जी के अंदर बड़े वालों को भी कंसिडर करती है बट एक्चुअल में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के अंदर केवल स्मॉल हाइड्रो ही कंसिडरेशन में आता है ठीक है ना आगे बढ़ते हैं अब रिन्यूएबल एनर्जी के जो टोटल आंकड़ा है एक लाख बीस हजार नौ सौ पंद्रह पॉइंट मेगावाट का उसके अंदर इंडिविजुअल जो सोर्सेज हैं उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है विद रिस्पेक्ट टू इंस्टॉल्ड कैपेसिटी अगेन आई एम रिपीटिंग वो आंकड़े देख लेते हैं एंड दीज आर अवेलेबल ऑन द साइट ऑफ सीई एज वेल एज ऑन एम एन आर ई सीई ए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट right? में से तिरसठ हजार तीन सौ दो पॉइंट फोर नाइन मेगावाट सोलर का इकतालीस हजार नौ सौ उनतीस पॉइंट सेवन एट विंड का बायोमास का दस हजार दो सौ नौ है ना वेस्ट एनर्जी का फाइव पांच सौ बाईस और स्मॉल हाइटो का है पांच चार हजार नौ सौ पैंतीस पॉइंट सिक्स फाइव मेगावाट यहाँ पर मैंने देखो लिखा है अप टू ट्वेंटी फाइव मेगावाट स्मॉल हाइड्रो ठीक है ना कुछ परसेंटेज मैंने यहाँ पर और शो किए हैं उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं सिक्सटी थ्री थाउजेंड एक, एक लाख बीस हजार के रेस्पेक्ट में बावन परसेंट है ना इकतालीस हजार नौ सौ उनतीस एक लाख बीस हजार के रेस्पेक्ट में चौंतीस परसेंट ऑब्वियसली सोलर टॉप के ऊपर है बावन परसेंट हम अचीव कर चुके हैं ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी में है ना ये जो परसेंटेज है ये टोटल है चार लाख दस हजार जो आंकड़ा मैंने आपको बताया टोटल जिसके अंदर सब कुछ शामिल है उसमें सोलर का आज की तारीख में कॉन्ट्रीब्यूशन करीब करीब पंद्रह परसेंट के आसपास हम पहुंच चुके हैं और विंड टेन पॉइंट टू वन परसेंट है आज से दो तीन साल पहले विंड टॉप पे था तो अब सोलर हमारा टॉप के ऊपर आ चुका है ठीक है ना आगे बढ़ते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं ये ये जो इस बार का वित्त वर्ष है दो हज़ार यानी कि एक अप्रैल दो से हालांकि इकतीस मार्च तक होगा परंतु तो आंकड़े हमारे पास दिसंबर के हैं दिसंबर दो हज़ार बाईस के तब तक की बात करते हैं जो पर्टिकुलर प्रोग्रेस हुई है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर अप टू दिसंबर 2022 सोलर के अंदर जो एडिशन हुआ है वो करीब करीब नौ हजार मेगावाट का हुआ है जबकि विंड के अंदर पंद्रह आप देख सकते हैं कि जो प्रोग्रेस हुई है सोलर एनर्जी के सेक्टर में वो विंड के कंपेरिजन में छह गुना है करीब करीब है ना छः सात गुना करीब करीब आ गई है तो ये प्रोग्रेस बहुत ही अच्छी है और ये अच्छा संकेत है कि हम पर्यावरण के क्षेत्र में एक अच्छी दिशा में जा रहे हैं ठीक है ना अब फाइनल जो स्लाइड है आपके सामने इसके बाद में दो तीन पॉइंट और डिस्कस करूंगा तो ये स्लाइड बहुत ही महत्वपूर्ण है व्हाट वाज द टारगेट एंड वेयर आर वी टुडे क्या लक्ष्य था और आज हम कहाँ हैं जो मेरा शीर्षक था उसके ऊपर मैं पुनः आ गया हूँ देखिए चार एनर्जी को लेकर के इकतीस दिसंबर दो तक के भारत सरकार के जो आंकड़े थे सोलर का एक लाख मेगावाट विंड का साठ हाइड्रो का दस और बायोमास का पाँच तो उस तारीख तक हम कितना अचीव कर पाए हैं वो आंकड़े और उनके परसेंटेज इन्हीं के रेस्पेक्ट में वो मैंने शो किए हैं सोलर का मैंने आपको बताया तिरसठ मेगावाट यानी कि तिरसठ अचीव कर पाए हैं विंड का साठ का था आंकड़ा जिसमें हम लगभग लगभग बयालीस अचीव किया है जो कि लगभग लगभग सेवेंटी परसेंट है ठीक है ना हाइड्रो का दस हज़ार था हमने चार हज़ार नौ सौ करीब तो करीब करीब फिफ्टी परसेंट हम अचीव कर चुके हैं और बायोमास का ऑलरेडी अचीव हो चुका है मोर देन हंड्रेड परसेंट ठीक है ना तो आप देखे हैं स्मॉल हाइड्रो के केस में काम करने की बहुत ज़रूरत है और ये भी अभी काम चल ही रहा है और धीरे धीरे ये आंकड़ा बढ़ेगा ठीक है ना आगे बढ़ते हैं अब जो मैंने आपको बताया था राजस्थान क्योंकि टॉप के ऊपर है सोलर के अंदर तो एक गीगावाट जो है पोटेंशियल हमारे पास अवेलेबल है तो कुछ हम स्टेट्स देख लेते हैं टॉप थ्री स्टेट्स एज ऑन थर्टी फर्स्ट ऑफ दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी टू राजस्थान के अंदर जो सोलर का इंस्टॉल कैपेसिटी है वह सोलह हजार मेगावाट पॉइंट जो कि ऑल ओवर इंडिया टॉप के ऊपर है और सारा रिन्यूएबल को मिला दें तो करीब करीब इक्कीस मेगावाट है ये भी टॉप के ऊपर है इसके अंदर सोलर के अलावा भी विंड वगैरह सब शामिल है गुजरात जो है उसमें सोलर का आंकड़ा है आठ मेगावाट जो कि सेकेंड नंबर की पोजिशन पे है लगभग राजस्थान से आधा है किसी समय गुजरात टॉप के ऊपर भी था कभी कभी है ना नंबर पे है हमारा कर्नाटका सात हजार आठ सौ पिछासी पॉइंट फाइव सेवन मेगावाट नंबर थ्री है ना तो ये आप आंकड़े आपको दिखाते हैं कि राजस्थान ने किस प्रकार पिछले कुछ सालों के अंदर सोलर के क्षेत्र में प्रगति की है पोटेंशियल को देखते हुए ठीक है ना आगे बढ़ते हैं अब हम बात आते हैं अंतिम बिंदु के ऊपर जनरेशन के ऊपर है ना टू वॉट एक्सटेंड जनरेशन वास्तव में एनर्जी जनरेशन कितना है इंस्टॉल कैपेसिटी की बात नहीं कर रहे हैं अगर हम इंस्टॉल कैपेसिटी को देखें तो 31 दिसंबर 2022 तक टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की जो कैपेसिटी है इंस्टॉल कैपेसिटी करीब करीब 30 परसेंट हो गई है है ना और ये धीरे धीरे बढ़ेगी लेकिन एक्चुअल जनरेशन अगर हम देखें इन कंपेरिजन टू दी कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज थर्मल न्यूक्लियर को देखें उसके कंपेरिजन में तो ये केवल ग्यारह से बारह ही है ऐसा क्यों हुआ क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि थर्मल पावर प्लांट्स ऑपरेट एट ए हायर प्लांट लोड फैक्टर अराउंड 85 परसेंट जबकि रीन्यूबल एनर्जी सोर्सेज की हम बात करें सोलर की बात करें आप जानते हैं दिस जनरेशन इज़ नॉट अवेलेबल फॉर ट्वेंटी फोर आवर्स फॉर ए लिमिटेड टाइम फ्रॉम मॉर्निंग एट टू इवनिंग फाइव और सिक्स उस समय ही जनरेशन संभव है तो इनका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन फैक्टर है वो मात्र उन्नीस से बीस परसेंट ही है जबकि विंड के भी आप जानते हैं कि दिन में विंड थोड़ी कम होती है रात में ज़्यादा चलती है तो ट्वेंटी फोर आवर्स के लिए ये भी अवेलेबल नहीं है लेकिन सोलर के कंपेरिजन में थोड़ा सा इनका ठीक है करीब करीब सत्ताईस परसेंट है ठीक है ना तो इसी वजह से जो एक्चुअल जनरेशन है वो थोड़ा कम है ठीक है ना अब मैं आपको अंतिम स्लाइड में लिए चलता हूं अभी रिसेंटली ग्लास्को के अंदर नवंबर 2021 में एक सम्मेलन हुआ जिसे कोप ट्वेंटी कहते हैं यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 सिक्स यू एन एफ ट्रिपल सी के द्वारा जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज इसके अंदर हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया और भारत की बात रखी और उसके अंदर लॉन्ग टर्म टारगेट की बात करें तो दो लक्ष्य बहुत ही महत्वपूर्ण निर्धारित किए हुए हैं टारगेट है 2030 का रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का ठीक है ना जो कि 500 गीगावाट रखा गया है अभी इकतीस दिसंबर तक जो लक्ष्य एक करीब करीब एक लाख पचहत्तर हजार गीगावाट था उसको करीब करीब तीन गुना बढ़ाया गया है आने वाले आठ सालों के अंदर इस लक्ष्य को हमको निर्धारित करना है तीन गुना प्रगति के साथ में और एक बात और महत्वपूर्ण कही गई नेट जीरो कार्बन एमिशन जो कि हम जीरो कर देंगे जीरो कर देंगे कार्बन एमिशन दो तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का मतलब है कि जितना कार्बन फुटप्रिंट थर्मल पावर प्लांट से या दूसरी जगह से प्रोड्यूस हो रहा है उसके उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम उतना ही रीन्यूबल रिसोर्सेज और प्लांटेशन करेंगे ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए ठीक है ना तो मैं समझता हूँ कि ये बातें आपको काफ़ी महत्वपूर्ण लगी होगी काफ़ी जानकारी मिली होगी अगर ये बात आपको अच्छी लगी है मैंने आधिकारिक तौर पे जो आंकड़े दिखाए हैं सारे के सारे ऑफिशियल आंकड़े हैं और पूरा एनालिसिस करके आपको दिखाया है उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और वास्तव में अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा ताकि हमारा मनोबल बना रहे हमको मोटिवेशन मिलता रहे अंत में आप सभी का पुनः धन्यवाद जय हिंद